फवाद चौधरी पीटीआई में वापस आ जाए। फवाद चौधरी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा उनके मामला सुधारने के लिए? चेयरमैन पीटीआई इंतहा ही एक जिद्दी इंसान है। नामों का अभी तक पार्टियों को भी नहीं पता कि वो कौन सा नाम पेश करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी थी, उन्होंने इत्तेहादियों से मुलाकात की, नाम किसी के पास नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जो एक नाम रखा हुआ है, अभी तो असल तबाही आप पर और मुझ पर और आम शहरियों पर आनी है। निगरान सेटअप में तो आपको पता है किसने की परवाह, ये पेट्रोल 300 से 350 तक जाएगा। आप 9 अगस्त के बाद देखिएगा क्या होने जा रहा है फिर। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार ये बताएं, आपके ये दोस्त भी रहे फवाद चौधरी साहब, इनको क्या हुआ अचानक? ठीक ठाक हैं, हट्टे कट्टे वो तो है, हट्टे कट्टे तो है। ये नई ट्वीट जो अब दोबारा से चेयरमैन पीटीआई की और पीटीआई की मोहब्बत जो जागी उनके दिल में, वो क्यों आया दोबारा से, कैसे हो गई मोहब्बत? देखिए मोहब्बत जागी नहीं, जगाई गई है, और उसमें हमारे कुछ दोस्त भी इन्वॉल्व हैं, उनकी भी ख्वाहिश है। आप जानते हैं 2018 से 2022 तक उन्हीं दोस्तों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में कहाँ कहाँ क्या क्या नवाजा गया। तो आज वही जो आप देखें, फवाद चौधरी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा उनके मामला सुधारने के लिए? अब केपी के लोग तो इफ्तिखार दुरानी भी तो है, वो इतना मजबूर है, वो इतना थका हुआ है, वो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। लग ये रहा है कि चौधरी फवाद चौधरी साहब जो वो लोग जो टारगेट लेके गए थे, वो टारगेट उनका जो पूरा हो गया और उन्होंने मना लिया इस बात पे कि फवाद चौधरी पीटीआई में वापस आ जाएंगे। नहीं, चेयरमैन पीटीआई अभी देखें, चेयरमैन पीटीआई इंतहा ही एक जिद्दी इंसान है। सारे यही कहते हैं कि मुझे तो ये मशवरा फलाने ने दिया था, मुझे ये मशवरा फलाने ने दिया था, अब इनको कौन मशवरे दे रहा है ये बताएं। अब ये अपने मशवरे से चल रहे हैं, अली जैदी ले लें, इमरान इस्माइल ले लें, मुराद रास ले लें, फैजुल हसन चौहान ले लें, परवेज खटक ले लें। क्या ये तो इन्होंने तो कंप्लेन की हमारी बात नहीं मानी जाती थी, इन्हीं की बातों की वजह से तो पार्टी इस तबाही के धाने तक पहुंची है। चले ये तो होगी पीटीआई की कहानी। ये जो अब मखलूत हुकूमत चल रही है, इनमें अब कितनी मुख्तलिफ सी बातें, जैसे मेरे पास खबर थी कल के 9 तारीख के इलेक्शन, 9 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला हो गया, और उस हवाले से आपको 5 नाम जो है इन दोनों के फाइनल भी हो गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के। फिर अचानक एकदम से मुशावरत का दोबारा से सिलसिला, 4th राउंड 5वां राउंड, तो ये इस बात पर आप गड़बड़ा गए क्यों? नाम जिन्होंने पेश करने हैं उनको खुद नहीं पता नाम क्या है। अच्छा, तो मैंने तो ये देखी आप कौन सी बात कर रहे हैं यार साहब, आपने कल खुद तरदीद चलाई मरियम औरंगजेब की, मैंने तरदीद चलाई, बल्कि भरमी का इजहार जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का चलाया। उनके जो 3 रुकनी कमेटी के अरकान है वो कह रहे हैं कि नाम बिल्कुल हमने 2 तजवीज किए हुए हैं, जब नाम पूछे जाए हमें तो नहीं पता। तो कौन सी वो, कहां से वो चिट आने वाली है? वो चिट जो है वो हमने पहले भी बताया था, एक तो नाम नवाज शरीफ साहब ने रखा हुआ है निकाल के, और वो उन्होंने इसीलिए सबसे पहले इसहाक डार का नाम डाला था कि लोग इस पर खूब एहतजाज करें कि नहीं जी ये तो अपने समझे जा रहा, उसके ऊपर एहतजाज बना। अब उन्होंने एक नया नाम देना है, वो एक पर्ची आनी है, उन्होंने नहीं देना। अच्छा नहीं, एक तो वो तो है, वो भी किसी ने देना है जी, उनको जो पता है जी, अब एक टेक्नोक्रेट है ये वो टेक्नोक्रेट है, जिस तरह का एक वो उन्होंने करना शुरू किया कि भाई जैसे मुईन कुरैशी की तरह के एक नया कोई आने वाला वजीर आजम जैसे, तो ये लग रहा है कि वजीर आजम को इसी किस्म का आएगा, जो जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं होगा, आएगा वो यहाँ पे लैंड करेगा, वजीर आजम बन जाएंगे आके, क्या ख्याल है? देखिए जी शहरयार साहब, नामों का अभी तक पार्टियों को भी नहीं पता कि वो कौन सा नाम पेश करने जा रहे हैं। आप और मैं कल भी बल्कि हम डेली पार्लियामेंट में होते हैं, आपने कल देखा जो पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी थी, उन्होंने इत्तेहादियों से मुलाकात की, नाम किसी के पास नहीं है। नाम पे नहीं हो रही अली, ये जो मुशावरत है इसका जो सिरा है वो पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मुशावरत हमने पहले भी, आपने भी कहा मैंने भी कहा कि इस मुशावरत, ये जो कमेटी खेल रहे हैं, इसके नतीजे शायद ही कुछ निकले, तो ये असल नाम तो कहीं और से आना जो आनी है। कल का इजलास भी तो बेनतीजा था जी, 2 दिन के बाद उन्होंने कहा हम नाम शेयर करेंगे। आप या ये देखें कि कानून साजी के मामले पे इनकी लड़ाइयाँ हो रही आज भी हुई है, आज भी आप ये देखें इनकी अरकान आज थे ही नहीं, आज सिर्फ 12 अरकान थे, 12 अरकान और डिप्टी स्पीकर, करोड़ों रुपए का खर्चा,
भाई जाते जाते बस उड़ा रहे हैं, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। जाते इन्होंने जो पेट्रोल का किया आज जो ये 1950 पैसे का इजाफा किया, अब आप 1000 रुपए में 3.5 लीटर पेट्रोल लगे। नहीं लेकिन एक बात बताएं, ये लगता नहीं कि इनको ये परवाह ही नहीं कि इलेक्शन होने, अगर इनको ये परवाह होती तो ये पेट्रोल की प्राइस इस तरह ना बढ़ाते जाते। असल तबाही आप पर और मुझ पर और आम शहरियों पर आनी है। निगरान सेटअप में तो आपको पता है किसने की परवाह, ये पेट्रोल 300 से 350 तक जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा। ये आपकी ख्वाहिश, अल्लाह ना करे। देखें निगरान सेटअप में कोई किसी चीज की परवाह नहीं करता, अशिया खुर्दनोश से लेके आप आगे तक आते रहे, जो जरूरी जिंदगी है इसकी कीमतें डबल नहीं ट्रिपल होंगी। IMF से मुहिदे के बाद के अब से सम्राट आना शुरू हो चुके हैं। एक खबर मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने जो एक नाम रखा हुआ है, रखा हुआ जेब में, अभी जेब में कागज नहीं आया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब इस हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि अगला सेटअप उन्हीं का है, उन्होंने आना है। कल वजीर आजम ने भी यही कहा है और तय कर लिया गया असूली तौर पे कि अगली जो हुकूमत होगी वो नून लीग की होगी और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाइयाँ जो दिखाई दे रही हैं उसके पीछे दरपर्दा कहानी यही है कि उनको पता लग गया कि अब हुकूमत जिसका वादा उनके साथ हुआ था वो उनके साथ हाथ हो गया, अब उनको हुकूमत नहीं मिलने वाली, अब अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की है। इनको ये परवाह ही नहीं रही अब कि हमने जाकर लोगों से वोट मांगना है, इसलिए इन्होंने देखे बगैर ही कीमतें इस तरह बढ़ा दी हैं। जब कम करते हैं तो 2-3 रुपए कम करते हैं, लेकिन जब बढ़ाते हैं तो 19-20 रुपए बढ़ा देते हैं। फिर भी नून लीग आएगी, आपका क्या ख्याल है? वोटों से आती है? आप सवाल कर रहे हैं या ख्याल मुझे बता रहे? मैंने तो आपको खबर बताई है। नहीं, खबर गलत है, ये खबर है ही गलत। शहरयार साहब, आप मेरी बात सुने, आप देखें, नहीं इधर जाते जाते कीमतें बढ़ाई जा रही है और नून लीग ये भी सोच रही है कि हमने हुकूमत में आना है, कैसे मुमकिन है? यार बात सुने, यहाँ पे एक बंदे के पास एक सीट नहीं थी और उसको जो है आपने 100 से ऊपर सीटें मिल गई। वो जो जो जिन आकर डालते हैं ना सीटें, जो आके डालते हैं ना सीटें आपकी झोली के अंदर, वो सीटें आएंगी। जब इंसान मनसब पर बैठा होता है, मेरी बात सुने, मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूं, इजाजत लेता हूं आपके साथ। हम लोग फिर मिलेंगे चाय के ऊपर, इसी तरह बैठेंगे, गपशप करेंगे, कुछ खबरें आप मुझे बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। अभी तो मेरे पास मवाद बहुत है, लेकिन आज मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया। अपने व्यूवर्स से मैं ये कह सकता हूँ कि कल तक का इंतजार करें, कल मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर करना है, आपसे पूछना है। लेकिन मैं आपको अभी भी दावे से कह रहा हूँ, नून लीग अभी बैठी है मनसब पर है, वो तभी ख्वाब देख रही है। आप 9 अगस्त के बाद देखिएगा क्या होने जा रहा है, यही पीपल्स पार्टी, आप भी मुझे यही पीजीआई की तरह आपको ख्वाब सुनाने वाले। मैं आपको सच कह रहा हूं, बताइए, फिर मिलते हैं नई बैठक के साथ, आएंगे रिपोर्टर्स बैठक में। यासर हुसैन को और शहरयार खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।